हेलो गाइस, आज का वीडियो इंडेक्स इंडियाना से संबंधित है। इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा 1977 से क्वार्टरली किया जाता है, यानी त्रिमासिक किया जाता है, और 1981 ईस्वी में एनुअल कमुलेटेड वैल्यूम प्रकाशित किया गया था। हम बात करते हैं कि इंडेक्स इंडियाना है क्या, तो यह भारतीय लैंग्वेज की सामयिक है, यानी इंडियन लैंग्वेज की पीरियोडिकल है, और यह 6 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। इंडेक्स इंडियाना की 6 भाषा है, बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल और मलयालम, ये 6 भाषाएं हैं। गाइस, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले एग्जाम में इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन कौन करता है पूछा गया था। उसके बाद पहले वाले एग्जाम में ये 4 लैंग्वेज दे दिया गया था, ये मैच करना था कि इसमें से कौन सा लैंग्वेज जो इंडेक्स इंडियाना में प्रकाशित नहीं होता है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडेक्स इंडियाना को कितनों भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है क्लासिफाइड भाग, यानी क्लासिफाइड पार्ट है, इसको हिंदी में वर्गीकृत भाग कहते हैं, और वर्गीकृत भाग में DDC के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद है इंडेक्स, विषय इंडेक्स है, सब्जेक्ट इंडेक्स है, और इसको अथर के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद है एक लेखक इंडेक्स भी है, ये इनके 3 पार्ट हैं, और एक्सपेरिमेंटल इशू अक्टूबर से दिसंबर 2015 वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हुज हू इंडिया का भी प्रकाशन सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा ही किया जाता है। गाइस, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, साथ ही मेरा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मेरा चैनल NTA UGC NET क्रैकर्स इन लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो की जानकारी चैनल पर अपलोड करते ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।